नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मैडम थैंक यू, अगर आज तुम नहीं आती ना मेरा कबाड़ा ही हो जाता। आपका कबाड़ा होने से तो बच गया, लेकिन अब मेरा कबाड़ा होने वाला है। क्या हुआ? बाहर कुछ गुंडे खड़े हैं, वो मेरा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं, मैं बाहर कैसे निकलूंगी? तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? मैडम मैं ट्रामा कंपनी का मालिक ऐसे नहीं बन गया, मैं तुम्हारा ऐसा हुलिया चेंज करूंगा उनका बाप तक नहीं पहचान सकता तेरे को। नहीं नहीं उनका बाप मुझे नहीं पहचानता। अरे मेरा मतलब तुम अपने आप को नहीं पहचान सकती। अच्छा। तुम दो मिनट ठहरो, मैं अभी आया। अब मेरा गोटा प्लीज। आए, आओ, आओ, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी शौक से कीजिए। खाले खाले। अरे कहाँ छुप गया मेरे मुसीबत के पेटारे? तो आओ छलिए, यू छुप छुप छुपने में क्या राज है? आए यहाँ पर नहीं, तो कहाँ छुप गया? अरे जरा सामने आ जा मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी लाया हूँ, खा ले मेरे बच्चे। अब तेरे की टोपी बता मार जा दे, अब तू खा रहा है मुझे, खा लिया, अबे अब नहीं छोड़ूंगा, अबे तू तू जाने दे मुझे, जाने दे मुझे, जाने दे। कहाँ जाता है? छोड़ दे मुझे, जाने दे। आपकी शराब की तो तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। आने दे मैं बाप को, तुझे जिंदगी भर खाना नहीं मिलेगा। हाँ पकड़ लो, चाक बाप मरेंगे भाई बटेंगे, भाग अरे भाग। लेके जाइए या पुलिस कार्रवाई कीजिए। ओ पुलिस कार्रवाई वाले, अगर तूने बच्चे का इलाज नहीं किया तो इसकी तरह तेरा भी हाथ लंबा कर दूंगा। करता हूँ करता हूँ, लेकिन याद रखना तुझे भी हवाला खियावा खिला के रहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर शर्मा है, शर्मा। बहुत अच्छा नाम है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, आजा प्यारे। साहब साहब साहब, दांत में दर्द है क्या? देखा जाएगा देखा जाएगा। साहब डॉक्टर को बुलाओ। चुप,
मैं प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस किस चीज की? विलेन बनने की। विलेन बनने की? अगर खजाना अपने को नहीं मिला तो मैं फिल्मों में विलेन बन जाऊंगा। आजकल विलनों की निकल पड़ी है। क्यों हंस रहा था? अरे साहब, मैं आपके आइडिया पे नहीं हंस रहा था, मैं तो इसलिए हंस रहा था कि आप विलन मत बनिए। अगर आप विलन बन गए तो विलन बहुत खराब आदमी होता है। आप हीरो बनिए और मैं आपका चमचा कॉमेडियन बनूंगा, मामला फिट। यानी कि आप एक्टिंग करें तो उसमें क्या शक है? आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए, मैं अभी आपको शो दिखाता हूँ। बताओ। मिसाल के तौर पर देवानंद किसी होटल का वेटर है, अब वो कैसे बोलेगा, आइए आइए मैम साहब, हमारी होटल में हर किस्म की चीजें मिलती है, क्या खाएंगे आप? कोफ्ता, कलेजी, चिकन, ठीका 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 ठीका। अब ओम प्रकाश, आइए आइए देवी जी, हमारी होटल में हर प्रकार की चीजें मिलती है, क्या खाएंगे आप? ये ओम प्रकाश। अब राज कपूर, आइए आइए बेबी जी, हमारी होटल में हर किस्म की चीजें मिलती है जी, बैठिए मैं भी आता हूँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बैठ जाओ जी। ये ओम प्रकाश, देवानंद, राज कपूर तो आ गए, आप कहाँ हैं? मैं कहूँ, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ, गर्मा गर्म गर्म। साहब लेकिन आइडिया मत बदलिएगा। नहीं बदलते। फाइनेंस की तो फिक्र ही मत कीजिए, खजाना तो मिलने ही वाला है। खजाना मिल जाएगा तो काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगे? जल्दी तुम बेकार आदमी लोग। ले जाओ इसको, बंद कर दो। हेलो, मैं जगदीप बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बोले मैं एक्टर जगदीप, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं? क्योंकि वो जो बच्चा है ना, वो मेरा भाई है। वो लड़का आपका भाई है? हाँ, उसकी बीवी भी मेरे साथ है। अच्छा अच्छा, वो भी बेचारा निर्दोष है। ओ अच्छा अच्छा, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। थैंक यू जी। 302 हाल साहब, उस बदमानुष को ले आओ। आओ बदमानुष, आपने उस बच्चे की जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया, अब आप जा सकते हैं। जा सकते हैं? तुम सर्कस वाला? नहीं, पुलिस वाला। बंद सर्कस वाला करता, तुमने मुझे बंद किया। मैं मजबूर था, ये मेरी ड्यूटी है। वो है ना डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर कहाँ है वो? क्यों? मुझे भी अपना काम करना है। क्या? उसका भी हाथ लंबा करना है। अरे अरे बिगड़ो नहीं भाई, आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेंगे, अब आप जा सकते हैं। जा सकते हैं। या? उठो, अजीब आदमी, पुलिस स्टेशन को भी सर्कस बना लिया। हफ्ते हो गए, न जाने हमारा मुन्ना किस हाल में होगा। दर्पणा को मार रहा है। चाल बता रतन राय, नाच करके बता रा बराबर से, चाल बता नाच करके दिखा, सुना नाच बता रा सा नाच करके दिखा, लाठी मार के बता बराबर से, चाल लाठी मार के दिखा, जम करके बता बराबर से, चलो जम के सा मारेगा बराबर से, चाल बता रे ना रतन बाजरा, जम करके बता चलो जल्दी बराबर से, चाल बता बंदर को कहाँ ले जा रहे हो? अब तुम्हें पालने की जरूरत नहीं, अब इस मुसीबत का क्या करोगे? इसे आजाद करूंगा। आजाद करूंगा। जी सुनिए, कौन हो तुम, दर्जी या वकील? ना दर्जी ना वकील, उन दोनों का भाई जासूस झामलाल। झूठ, एक जैसे तो तीन उल्लू भी नहीं होते। अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जान निकाल लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे जैसे तुम हो कितने? हम तीन भाई हैं, एक माँ एक बाप। माँ मर गई, बाप अभी तक जिंदा है, वो कहीं खो गया। मतलब ये तुम्हारा बाप जिंदा है और तुम
उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाए एक जासूस होते हुए, तो तुम हमारे बच्चे को क्या ढूंढोगे? चलो, अरे सुनिए सुनिए तो, ओहो आप समझ रहे क्यों नहीं, बाप को तो मैंने इसलिए नहीं ढूंढा कि उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसे तो देना ही देना है और आपसे लेना ही लेना है। एक काम करो, पहले अपने बाप को ढूंढो, बाद में हमारे बच्चे को। नहीं नहीं, इनसे नहीं ढूंढवाना है, इनकी मेहरबानी से तो हमारा मिलता हुआ बच्चा भी खो जाएगा। चलो सुनिए 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 तो, मिले तो वो भी चले गए, ना जाने किसका मुंह सुबह सुबह देखा था, अपना ही देखा था। तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कुत्ते ने तुम्हारे बच्चे को उठा? तो फिर कुत्ते का नाम बदनाम मत करो, आदमी बोलो चलो। आप कौन है, किससे मिलना है? जी हम अपने बेटे, ये तो वही है। हाँ उन तीन बेटों का बाप। चुप 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 चुप, मैं वही हूँ जो तुम समझ रहे हो, उन तीन नाराज बेटों का बाप। लेकिन तुम्हारा मालिक है ये। आप ठीक कहते हैं, हुलिया मालिक है, लेकिन असली बंगले का मालिक मैं हूँ। आप अपने बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? अजी उनसे छुप कर ही तो यहाँ बैठा हूँ। जी हाँ सुनिए, अगर उनको मालूम हो गया कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरा खाना पीना हराम कर देंगे। जी हाँ, अगर उन उल्लुओं को मालूम हो गया कि मैं इस बंगले में अकेला रहता हूँ तो सुनिए, अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के आएंगे और मेरे माल का सफाया कर देंगे। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मत कहिए कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, उन्हें पता चलते ही वो अपना सारा कुर्मा लेकर यहाँ आ जाएंगे। कैसा आदमी है? आप चाय नहीं पिएंगे? नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। कंजूस मक्खी चूस। चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ पैसे बचे। ये क्या, एक को चार मारे हैं। अरे मारने दो, तुम्हें क्या लेना देना है, चलो। नहीं, एक को चार मारे हैं। मदद? अरे मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। कमाल आदमी हो, चार आदमी तुम पीट रहे हैं और तुम कहते हो मदद नहीं चाहिए। ओहो, तुम समझते क्यों नहीं यार? नॉन्स, ये सब क्या हो रहा है? माय गॉड, ए भाई मास्टर, ए मिस्टर, तुम ये क्या कर रहे हो? इसकी मदद कर रहा हूँ। मदद? अरे ये हिंदी पिक्चर का हीरो है तो किसी की मदद की जरूरत नहीं। हीरो? अरे लाख रुपए का कौड़ा कचरा कर दिया। ओहो फिक्र मत करो यार, इसमें कुछ मालूम नहीं है। अरे अरे हटो हटो, ये जाने दो, देखिए इन्हें कुछ मालूम नहीं है, ये जंगल से ये बाहर से आए हुए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, माफ कीजिएगा। आओ चलो ये काम करने दो। ये कैसा काम है, एक आदमी को चार पीट रहा? अरे पापा यही काम है, आओ चलो। नॉनसेंस। अरे भाई मैं टोपी की तरह है। हाँ जी, कहाँ पटकू? पटकू? अबे कबूतर के बच्चे, मैं कुछ पटक सकता हूँ, सारा मूड ऑफ कर दिया बार वाले का देने। मार तो दिया नहीं है, फिर शूटिंग करनी है कि मैं जाऊँ? हाँ भाई करनी है, करनी है जल्दी। अरे भाई फिर से शॉट अरेंज करो। पहला जब आया था तो हाथ पांव जोड़ता था, अब झट से आके बदल गया, इस फिल्म लाइन का बाबा आदमी ने डाला है। रेडी रेडी जल्दी करो। निकल गया, लगता है ये बन मनु सारा प्लान फ्लो करवाएगा। उसे किसी न किसी तरह से अपनी कैद में लेना ही पड़ेगा। वो सूंघते सूंघते हर जगह पहुंच जाता है, बिल्कुल जंगली जानवर की तरह। तो फिर सूंघा दो उसको। लेकिन क्या? पॉइंट नंबर पांच, झगड़ा क्यों? जी वो कोई चोर लगता है, मेरा सारा माल लेकर भाग गया। तुम उनको जानता? जी वो कोई चोर लगता है। चोर? हाँ। ये क्या है? उसका रुमाल है। तब तो उसे पकड़ लेगा। कैसे? इसे सूंघ कर। सूंघो। अब तो बाप हाथ आ गया है, इसका क्या करना है? मतलब इसकी क्या जरूरत है? अब खत्म कर दो साले को। इस बेचारे को बहुत हमदर्दी हो रही है इससे। हाँ मोनल, किसी का मर्डर करना हमारा काम नहीं। और अगर इसने फिर से सांप बुला लिए तो? मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा और प्यार से समझाऊंगा कि ये शरारत नहीं करे।
तुम क्या इसके चाचा लगते हो जो ये तुम्हारी बात मान जाएगा? जो भी समझ लो, सफर की तैयारी करो, मैं इस बच्चे को लेकर घर जाता हूँ।